गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम लोग रिम इंस्ट्रक्शन एंड सिम इंस्ट्रक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन हम लोग देखते हैं रिम इंस्ट्रक्शन, ठीक है। रिम स्टैंड फॉर रीड इंटरप्ट मास्क, ठीक है। दिस इज़ अ मल्टीपर्पस इंस्ट्रक्शंस यूज टू रीड द स्टेटस ऑफ इंटरप्ट 7.5, 6.5 एंड 5.5। बेसिकली ये एक मल्टीपर्पस इंस्ट्रक्शन है जिसका यूज़ करते हैं इंटरप्ट के स्टेटस को रीड करने के लिए, ठीक है। जो RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 है, उसके जस्ट स्टेटस को ये क्या करता है, रीड करता है, ठीक है। और एक इसका क्या पर्पस होता है, टू रीड द डाटा सीरियल डाटा इनपुट बिट, ठीक है। जो सीरियल डाटा इनपुट बिट होता है इसको जस्ट ये रीड करने का काम करता है, क्या मेरा रिम इंस्ट्रक्शन, ठीक है। रिम इंस्ट्रक्शन बेसिकली 1 byte इंस्ट्रक्शन है, इट इज़ अ 1 byte इंस्ट्रक्शन। अब 1 byte इंस्ट्रक्शन है तो 1 machine cycle होगा, और अगर 1 machine cycle है तो 4 T state होगा, ठीक है। नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। यहाँ पे देखिए, जो मेरा फ्लैग रजिस्टर था जिसपे मेरा 5 flag था, जैसे कि कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, 0 flag, साइन फ्लैग, ठीक है। तो ये 5 जो फ्लैग था वो मेरा अफेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। द इंस्ट्रक्शन लोड 8 bit इन एक्यूमुलेटर विद द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब 8 bit जो मेरा एक्यूमुलेटर है उस पर जो डाटा लोड होता है वो मेरा इस तरह से होता है, ठीक है। ये बेसिकली मेरा 8 bit एक्यूमुलेटर यहाँ पे शो है, ठीक है। 8 bit है D0 to D7 डाटा, ठीक है। जो मेरा D0 to D1 है वो मेरा क्या है, 7.5, 6.5 एंड 5.5। ये क्या है मेरा इंटरप्ट मास्क इफ बिट इज इक्वल टू 1। ये अगर मान लीजिए D0, D1 एंड D2 अगर ये 1 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, इंटरप्ट मास्क हो जाएगा। ये क्या है मेरा इंटरप्ट इनेबल, ठीक है। इंटरप्ट इनेबल, ये क्या है मेरा IE फॉर इंटरप्ट इनेबल। फ्लिप फ्लॉप इज सेट इफ बिट इज इक्वल टू 1, मीन्स अगर इस बिट पे 1 होगा तो फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा मेरा, सेट हो जाएगा। ये क्या है मेरा इंटरप्ट पेंडिंग इफ बिट इज इक्वल टू 1। अगर ये D6, D5, D4 अगर मेरा 1 होगा तो ये इंटरप्ट पेंडिंग होगा, ठीक है। अब D7 क्या है मेरा, सीरियल इनपुट डाटा बिट, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रिम इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिम इंस्ट्रक्शन। सिम स्टैंड फॉर सेट इंटरप्ट मास्क, ठीक है। दिस इज़ मल्टीपर्पस इंस्ट्रक्शन। बेसिकली इट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट द 8085 इंस्ट्रक्शन 7.5, 6.5 एंड 5.5 एंड सीरियल डाटा आउटपुट, ठीक है। बेसिकली इसका क्या काम होता है, ये 8085 का जो इंटरप्ट RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 है इसको जस्ट इम्प्लीमेंट करता है और सीरियल डाटा आउटपुट को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। द इंस्ट्रक्शन इंटरप्रिटेड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एज फॉलोज, ठीक है। ये कैसे एक्यूमुलेटर कंटेंट को सेट करता है, देखिए, ठीक है। ये मेरा क्या है, एक्यूमुलेटर का कंटेंट है, ठीक है। एक्यूमुलेटर मेरा 8 bit डाटा स्टोर करता है, ठीक है। तो D0 to D7 मेरा 8 bit है, ठीक है। D0 to D2 मेरा क्या है, मास्क इंटरप्ट। ये मेरा क्या है, मास्क इंटरप्ट, ठीक है। M 5.5, मास्क इंटरप्ट 5.5, मास्क इंटरप्ट 6.5, मास्क इंटरप्ट 7.5, ठीक है। ये इंटरप्ट कब होता है, जब बिट इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। मीन्स अगर D0, D1 में अगर बिट होगा तो ये मास्क इंटरप्ट होगा, ठीक है। ये क्या है मेरा मास्क सेट इनेबल, ठीक है। ये मेरा मास्क सेट इनेबल कब हाई होता है, जब ये बिट मेरा 1 होगा, ठीक है। D4 क्या है मेरा R 7.5, ठीक है। ये रीसेट R 7.5, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप इफ D4 इज इक्वल टू 1, ये कब मेरा सेट होगा, कब रीसेट होता है, जब मेरा D4 इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। D5 मेरा क्या है, डोंट केयर, ठीक है। D6 मेरा क्या है, सीरियल डाटा इनेबल, ठीक है। जब ये 1 होगा तब ये इनेबल होगा, अदरवाइज ये जब 0 रहेगा तब क्या होता है, ये डिसेबल रहेगा। D7 क्या है, सीरियल आउटपुट डाटा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग एक एक करके ईच एंड एवरी बिट को देखते हैं। सबसे पहला बिट क्या है, SOD, ठीक है, सीरियल आउटपुट डाटा, ठीक है। ये क्या होता है, बिट D7 ऑफ एक्यूमुलेटर इज लेस्ड इन टू SOD सीरियल आउटपुट डाटा आउटपुट लाइन एंड मेड अवेलेबल टू सीरियल पेरिफेरल इफ D6 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। मीन्स अगर D6 इज इक्वल्स टू 1, अगर ये जो मेरा है बिट D6 अगर 1 होगा तो ये सिंपली क्या करता है, ये जो आउटपुट लाइन है इसको जस्ट अवेलेबल करता है पेरिफेरल। पेरिफेरल मीन्स जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस से जस्ट ही कनेक्ट करता है सीरियल आउटपुट डाटा के लिए, ठीक है। कब होता है, जब मेरा D6 मेरा हाई होता है, ठीक है, 1 होगा तब, ठीक है। DE क्या होता है मेरा,
सीरियल डाटा इनेबल इफ़ दिस बिट इज इक्वल टू वन, अगर ये बिट वन होगा इट इनेबल द सीरियल आउटपुट। ठीक है, सिंपली क्या करता है, जब भी ये मेरा बिट वन होता है तो ये जस्ट इनेबल कर देता है मेरा सीरियल आउटपुट लाइन को। ठीक है, टू इम्प्लीमेंट एस ओ डी दिस बिट नीड्स टू बी इनेबल। ठीक है, मीन्स अगर हम सीरियल आउटपुट डाटा चाहते हैं तो हमको एस डी ई को क्या चाहिए, हाई करना ही होगा, तभी जाके मेरा सीरियल आउटपुट डाटा हमको मिलेगा। ठीक है, ये मेरा क्या है, डोंट केयर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरा R7.5, ये क्या होता है, इफ़ दिस बिट इज इक्वल टू वन, अगर ये बिट वन होगा तो आर एस टी 7 फ्लिप फ्लॉप जो होता है, 7.5 फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो क्या हो जाएगा, मेरा रीसेट हो जाएगा। दिस इज़ एन एडिशनल कंट्रोल टू रीसेट RST 7.5। ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट मेरा MSE, ये क्या है, मार्क सेट इनेबल। इफ़ दिस बिट इज़ हाई, अगर ये बिट हाई रहेगा, वन रहेगा, इट इनेबल द फंक्शन ऑफ बिट D2, D1, D0। ठीक है, अगर MSE मतलब इनेबल रहेगा, अगर इस ये जो बिट है अगर वन रहेगा तो ये D2, D1, D0 को क्या करेगा, इनेबल कर देगा। ठीक है, दिस इज़ द मास्टर कंट्रोल ओवर द इंटरप्ट मास्किंग बिट, मीन्स जो मेरा मास्क इंटरप्ट बिट था इसके ऊपर क्या है, इसका कंट्रोल है। मीन्स अगर ये चाहेगा कि हाँ उसको मास्क करवाना है तो वो क्या करेगा, इनेबल हो जाएगा, अदरवाइज़ ये क्या रहेगा, डिसेबल। अगर डिसेबल यानी कि ज़ीरो रहा तो मेरा जो बिट है, जो मेरा D0, D1 और D2 था, वो मेरा डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, इफ़ दिस बिट इज़ लो देन बिट D2, D1, D0 डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द मास्क। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे M7.5 D2 है। ठीक है, ये कौन सा बिट है, D2, अगर ये ज़ीरो रहा तो RST 7.5 क्या रहेगा, मेरा इनेबल रहेगा, अगर ये वन रहा तो RST 7.5 क्या रहेगा, मेरा डिसेबल। ठीक है, M6.5 ये क्या है मेरा बिट, D1, अगर ये ज़ीरो रहा, ठीक है, तो RST 6.5 क्या रहेगा, मेरा इनेबल, अगर ये वन रहा तो ये क्या हो गया, RST 6.5 इज मास्ट और डिसेबल। ठीक है, सिमिलरली M5.5 इज, जब मेरा ज़ीरो रहेगा तो क्या होगा, ये RST 5.5 क्या हो जाएगा, मेरा इनेबल, और जब अगर ये वन रहेगा तो ये क्या रहेगा, मास्क रहेगा और डिसेबल रहेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल हो गया मेरा रिम और सिम इंस्ट्रक्शंस के बारे में। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।